बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कनाडा IRCC की तरफ से दोबारा से बैकलॉग की रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया गया है। पहले जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी दोस्तों, वो सिर्फ मई तक की थी, और अब जो है वो जून तक की रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया गया है। और इस बार भी दोस्तों पहले की तरह ही हुआ है, लेकिन इस बार ज़्यादा बैकलॉग इंक्रीज़ किया गया है। दोस्तों, सिर्फ टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा के अंदर 2 लाख से भी ज़्यादा का बैकलॉग इंक्रीज़ हो चुका है सिर्फ 1 माह के अंदर। तो कौन कौन सी कैटेगरी की इस वक्त क्या सिचुएशन है, किस कैटेगरी में रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है या फिर नहीं देखने को मिल रहा, और आने वाले दिनों में कौन कौन अपने रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे। सेकेंडली दोस्तों, यहाँ पर C-19 बिल को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट है अभी भी। पहले भी मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उसके बाद भी काफी ज्यादा लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आज की वीडियो में वो भी क्लियर कर लिए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शेयर करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज नीचे बटन होगा उसको दबा दो, बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, दोबारा से कनाडा IRCC की तरफ से बैकलॉग की रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया गया है, और इस बार भी 2,60,000 का बैकलॉग जो है वो इंक्रीज हो चुका है सिर्फ 1 माह के अंदर। तो आ चुके हैं दोस्तों इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और आप यहां पे देख सकते हो कि 1 माह के अंदर 2,60,000 से भी ज़्यादा का जो बैकलॉग है वो इंक्रीज हो चुका है। अब देखना यह है कि इस टाइम के ऊपर कनाडा IRCC किन किन कैटेगरीज के ऊपर वर्क कर रही है, और कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनका बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि सबसे पहली जो इन्वेंट्री है वो सिटीजनशिप वालों की है। मतलब सिटीजनशिप के अंदर जो पहले बैकलॉग था वो 3,99,000 का था, और इस टाइम के ऊपर 3,94,000 का हो चुका है। इसका मतलब कि सिटीजनशिप की जो इन्वेंट्री है या फिर बैकलॉग है वो इंक्रीज नहीं हो रहा। कनाडा IRCC इसके ऊपर बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। अब यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि July 6, 2021 के अंदर जो बैकलॉग था वो 1.4 मिलियन का था, अक्टूबर के अंदर 1.7 मिलियन का हुआ, उसके बाद दिसंबर में 1.8, फरवरी के अंदर भी 1.8, मार्च के अंदर भी 1.8। मतलब कि इन 2 से 3 माह के अंदर कनाडा IRCC ने बहुत अच्छे से वर्क किया है। उसके बाद अब आप देख सकते हो दोस्तों कि अप्रैल के अंदर 2 मिलियन जो है वो हो चुका था बैकलॉग, उसके बाद जो है वो 2.1 मिलियन हो चुका, और अब जो है दोस्तों वो 2.4 मिलियन तक पहुंच चुका है। इसका मतलब कि कनाडा IRCC कहीं ना कहीं काम काफ़ी ज़्यादा स्लो कर रही है। अब अगर हम बात करें दोस्तों एक्सप्रेस एंट्री के बैकलॉग की, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में जो पहले बैकलॉग था वो 7,522 का था, जो कि अब 6,000 का हो चुका है। इसका मतलब कि एक्सप्रेस एंट्री के अंदर कनाडा IRCC बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम की बात की जाए दोस्तों, तो उसके अंदर भी 32,000 का बैकलॉग था, जो कि अब 25,000 का बैकलॉग हो चुका है। फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम्स की बात की जाए दोस्तों, तो इसका भी जो बैकलॉग था वो 484 का था, और अब 434 का हो चुका है। क्योंकि दोस्तों एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज जो हैं वो जुलाई की स्टार्टिंग से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से कनाडा IRCC का पूरा फोकस इस टाइम एक्सप्रेस एंट्री की तरफ ही है। अब बात करते हैं दोस्तों टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा वालों की, कि उनके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिली है। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि फैमिली क्लास के बैकलॉग भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि पहले था 1,08,000 का बैकलॉग, और अब जो है वो 1,12,000 का बैकलॉग हो चुका है। स्पाउस पार्टनर्स एंड चिल्ड्रन प्रोग्राम्स की बात की जाए दोस्तों, तो इनका बैकलॉग 67,102 का था, जो कि अब 67,900 का हो चुका है। मतलब इसके अंदर भी बैकलॉग इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों देखा जाए कि पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम, तो इसके अंदर भी जो बैकलॉग था पहले वो 38,000 का था, और अब 41,000 का बैकलॉग हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा की, तो इसके अंदर अब आप देख सकते हो सिर्फ 1 माह के अंदर 2 लाख से भी ज़्यादा जो है वो बैकलॉग इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कनाडा IRCC ने यहाँ पर बिल्कुल फिगर्स भी यहाँ पे मेंशन की है कि पहले बैकलॉग क्या था और अब क्या हो चुका है, किस वजह से बैकलॉग बढ़ रहा है और किस किस कैटेगरी में बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि स्टडी परमिट के अंदर जो पहले बैकलॉग था वो 1,32,000 का था, और अब जो है वो 1,73,000 का हो चुका है।
वर्क परमिट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 1,89,000 का बैकलॉग पहले था और अब जो है वो 2,36,000 का हो चुका है। अब वर्क परमिट की बात करें दोस्तों, तो आने वाले दिनों के अंदर वर्क परमिट वालों को काफी अच्छी गुड न्यूज देखने को मिलने वाली है, क्योंकि 2 लाख से भी ज्यादा जो है वो वर्क परमिट्स इशू किए जाएंगे। कनाडा IRCC ने इसका अनाउंस कर दिया है, तो आने वाले दिनों में वर्क परमिट वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए काफी अच्छी गुड न्यूज आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों बाकी कैटेगरीज को भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इस रिपोर्ट में दोस्तों सबसे बड़ी चीज जो देखने वाली थी वो सिर्फ टेम्परेरी वीजाज वालों की थी, कि इस 1 माह के अंदर 2 लाख से भी ज्यादा का बैकलॉग इंक्रीज हो चुका है। अच्छा, अब बात करें दोस्तों C-19 बिल की, तो काफी ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन थी कि इसके अंदर होने क्या वाला है। दोस्तों C-19 बिल को मैं एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करेगा। बिल C-19 अभी 3rd स्टेप के ऊपर पास नहीं हुआ है। अगर ये पास हो जाता है दोस्तों, तो उसके बाद इमिग्रेशन मिनिस्टर्स के पास टोटली कंट्रोल आ जाएगा एक्सप्रेस एंट्री का। उसके बाद होगा ये कि अगर इमिग्रेशन मिनिस्टर को लगेगा कि इस टाइम के ऊपर मेडिकल वर्कर्स की जो नीड है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक मेडिकल सेक्टर का ही ड्रॉ कंडक्ट करेंगे। और इसके अंदर दोस्तों कोई भी फिगर नहीं रखा गया कि 500 लोगों को इनवाइट किया जाएगा या 1000 लोगों को इनवाइट किया जाएगा। इसके अंदर कितने भी लोगों को इनवाइट किया जा सकता है, और इससे CRS स्कोर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका CRS स्कोर 700 है, तो भी दोस्तों हो सकता है कि इमिग्रेशन मिनिस्टर उस टाइम के ऊपर सिर्फ नर्सिस को ही इनविटेशन टू अप्लाई सेंड करना चाह रहे हों। तो इसीलिए अगर नर्सिस का CRS स्कोर 300 भी होगा, तो भी उन्हें ITA सेंड किया जाएगा। तो ये टोटली इमिग्रेशन मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उस टाइम के ऊपर कौन से ऑक्यूपेशन को इन्वाइट करना चाहते हैं कनाडा में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।